नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। ईद उल फितर इस बार भारत में 3 मई 2022 मंगलवार को मनाई जा रही है। मान्यता है कि इस दिन पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने बद्र के युद्ध में जीत हासिल की थी और इसी जीत के खुशी में इस्लाम के अनुयायी हर साल ईद मनाते हैं। इस बार की ईद इसलिए भी खास है क्योंकि इस बार पूरे 30 रोजे रखे गए, वरना कई बार चांद का दीदार पहले हो जाने पर 29 दिन के ही रोजे हो पाते थे। ऐसे में आइए जानते हैं कि ईद के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इस दिन आप सुबह जल्दी उठकर फजर की नमाज अदा करने के लिए खुद की सफाई और कपड़े वगैरह तैयार रखें, गुसल करें यानी कि नहाएं, मिसवाक यानी कि दातून करें, सबसे उम्दा और साफ कपड़े पहने, नए या पुराने लेकिन साफ, इत्र लगाएं, ईदगाह जाने से पहले कुछ खाएं, नमाज से पहले फितरा जकात अदा जरूर करें, ईदगाह जल्दी पहुंचे, ईद की नमाज खुले मैदान में अदा करनी चाहिए, लेकिन अगर बारिश या बर्फ गिरे तो ऐसी स्थिति में खुले मैदान में ईद की नमाज ना पढ़ें। ईदगाह आने जाने के लिए अलग अलग रास्तों का इस्तेमाल करें। ईदगाह जाते वक्त तकबीर भी पढ़ें। ध्यान रखें कि महिलाएं घर पर जो ईद की नमाज पढ़ना चाहती हैं वो ईद की चाश्त की नमाज जरूर पढ़ें। साथ ही ईद के दिन एक दूसरे से वाद विवाद करने से बचें, इस दिन देर तक ना सोएं, साथ ही घर पर बने पकवानों को आप लोगों में भी बांट सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।